वज़ीर आज़म निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरअज़्म विफाक की वज़ीर उमर अय्यूब कहते हैं कि हुकूमती इकदामात से IPPs के तारीफ में कमी हुई, मुल्क में तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने तवानाई से मुतालिक क्या किया है? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली के लिए कोशा है, मनसूबों की बरवक तकमील पर तवज्जो दे रहे हैं और हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन मौके फराहम कर रही है। खान साहब का जो करप्शन और निजाम की तब्दीली के खिलाफ जो एक जिहाद था और उसके आज आप उसका फल देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तब्दीली जो नजर आ रही है अमली तौर पे, ये 100 मेगावाट जो आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रही है? ये पाकिस्तान के अंदर आ रही है। यहाँ पे मुलाजमतें पैदा होंगी, यहाँ पे जो रेट आएगा उससे आपके मुस्तकबिल में इस तरह के रेट में खातिरखा कमी आएगी। उसकी वजह भी बता दूं, साबका हुकूमत ने क्या किया, वो शमसी तवानाई ला सकते थे 4000 मेगावाट की, उन्होंने कहा जी इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बाहर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे गैस तेल और ये चीजें और उससे हम लोग 4000 मेगावाट बनाएंगे और वो महंगी बिजली बना के हम लोग बेचेंगे। हुकूमत पंजाब आईने पाकिस्तान के तहत तवानाई की तमाम जरूरियात अपने वसाइल से हासिल करने के लिए कोशां है। पंजाब में तवानाई की बचत के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग बोर्ड्स मुरतब किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पंजाब अरबों रुपए की बचत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पंजाब में एनर्जी सेक्टर ऐसा शोबा है जहाँ सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं और हुकूमत के सरमायाकारों की पूरी मावनत कर रही है।